राम राम मेरे सभी भाइयों को, कैसे हो आप सभी लोग। तो भाई आज है हमारा डे 8, जिसमें हम फिर से लेग अपनी ट्रेन करेंगे और थोड़ी सी डिफरेंट होगी क्योंकि हम स्मिथ मशीन का भी आज यूज़ करेंगे उस पर। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आप लोग से मिल रहा है वीडियो से भाई, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो शेयर करो। ठीक है, और इस वर्कआउट को आप लोग ज़रूर फॉलो करना क्योंकि स्ट्रेंथ बेस्ड वर्कआउट है, थोड़ा सा हम हैवी करेंगे। और आप जैसे जानते हो कि हम हमेशा से स्टार्ट करते थे एक्सटेंशन या लेग कर्ल से, बट आज हम स्क्वाट से स्टार्ट करेंगे और प्रॉपर वार्म अप के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले हम वार्म अप करते हैं अच्छा खासा, उसके बाद फिर वेट इनक्रीज करके आपको स्मिथ मशीन पे दिखाते हैं स्क्वाट आपको कैसे लगाना है। चलो तो भाई सबसे पहले हम बॉडी वेट स्क्वाट लगाएंगे अपना, और जैसे कि हमारे कॉर्ड मसल अच्छे खासे वार्म हो जाए। तो दोस्तों वार्म अप कम्प्लीट हो गया है और अब हम स्मिथ मशीन पे स्क्वाट स्टार्ट करते हैं। तो भाई आप वेट देख सकते हो, 20 kg वेट है, 40 kg मीन्स, और टोटल अगर आप देखो तो 60 kg है। तो हम पहला सेट लगाते हैं अपना स्मिथ मशीन पे स्क्वाट। तो भाई वेट इंक्रीज करेंगे और 4 सेट हमने लगाने हैं। इस पे हम अब वेट करेंगे 10 10 kg डालते हैं। तो भाई सेकंड सेट लगाते हैं, अब वेट देख सकते हो हमने इंक्रीज किया है, टोटल 80 kg हो गया मेरे ख्याल से। ठीक है, तो इसको लगाते हैं। अब भाई एक चीज़ आप लोग ध्यान देना, जब भी आप स्क्वाट करो भाई तो फुल स्क्वाट करो, अप्रोक्स आपके काफ मसल जो है आपके हैमस्ट्रिंग को टच करें, इतना तो आपको डीप बैठना ही है। आप देखना मैं कैसे करता हूँ। तो भाई वेट इंक्रीज करेंगे हम, 10 kg निकाल देते हैं, 20 kg डालेंगे। तो भाई ये हमारा हो गया 100 kg। तीसरा सेट हम लगाएंगे इस पे,
स्मिथ मशीन पे। तो भाई ये हमारा तीसरा सेट है, 100 kg से हम लगाते हैं। तो भाई ये आप समझ लो कि फ्री स्क्वाट से ज़्यादा टफ स्मिथ मशीन होता है, स्मिथ मशीन स्क्वाट, क्योंकि इस पे मैं इजीली कर लेता हूँ यार, अगर 100 kg में ही बिल्कुल। कोई नहीं, वेट इंक्रीज करते हैं, 120 kg, 4 सेट। तो भाई हमारा 4 सेट है स्मिथ मशीन पे स्क्वाट का, 120 किलो, और बेल्ट आप जरूर ऐड करो अगर आप जब वेट हैवी लिफ्ट कर रहे हो तो, और जिससे जितना भी इससे वेट लग जाएगा हम वेट लगाएंगे, रेप्स लगाएंगे, इसके बाद हम तुरंत वेट ड्रॉप करेंगे और ड्रॉप सेट लगाएंगे, ठीक है, सुपर सेट में। भाई वेट ड्रॉप करते हैं। भाई 40 kg वेट ड्रॉप ड्रॉप, किया, हम देखो वीडियो बिल्कुल करते हैं। तुरंत हम लगाते हैं। तो भाई हमारा स्क्वाट कंप्लीट होता है, इसके बाद हम डंबल से सुमो स्क्वाट लगाएंगे अपने इनर थाई और ग्लूट्स के लिए।
इसके लिए चार सेट लेंगे, चार भी आपको दिखाते हैं। थोड़ा ज़्यादा वर्कआउट नहीं है बट हैवी है, इंटेंस है और अपने लिए ही। पहला सेट हो गया, सेकंड सेट। तो भाई हम आप सेकंड सेट लगाते हैं। पहले सेट में माइक हमने लेना भूल गया था, तो इस वजह से थोड़ा सा वॉइस का इशू रहा। तो कोशिश करेंगे कि 25 रेप्स हमारे आ जाएं। और आपने देखा, आपको ऐसे ही करना है इस वर्कआउट को, फुल आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हम स्क्वाट में ऑलरेडी अपना फुल रेंज ऑफ मोशन लगा चुके हैं। तो हमें मेन अपने हैमस्ट्रिंग में फोकस करना है, इनर थाई फोकस करना है, तो हम ये वर्कआउट लगा रहे हैं। तो सेकेंड सेट लगाते हैं अपन हम। भाई दो सेट कंप्लीट, दो हम आपको और दिखाते हैं। तो भाई थर्ड सेट हम लगाएंगे अपना, और वेट हमारा उतना ही 45 kg। भाई पानी पी लेते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, और बिल्कुल मिड में मैं आता हूँ वर्कआउट करने आप सबके लिए, शूट करने के लिए। तो आप सोच सकते हो गर्मी कितनी ज़्यादा हो रही होगी। चलो भाई, तो भाई तीन सेट हमारे कंप्लीट हो गए, फोर्थ लगाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं अपनी तीसरी वर्कआउट। तो भाई चलिए हिम्मत करके फोर्थ सेट लगाते हैं और देखते हैं कितने रेप्स आते हैं। हाँ, जय श्री राम। तो भाई आप देख सकते हो चारों सेट आपके सामने था, टोटल 100 रेप्स। अब हम चलेंगे ऊपर और लगाएंगे लेग कर्ल अपने हैमस्ट्रिंग मसल्स के लिए। तो भाई क्वाड्स की वर्कआउट हमने की है दो, अब हम करेंगे अपना हैमस्ट्रिंग के लिए लेग कर्ल। और हालांकि हमारा हैमस्ट्रिंग इनर थाई वाले जो हमने सुमो स्क्वाट लगाया डंबल से, उसमें भी ट्रेंड हुआ, बट अलग से हम इसको करेंगे चार सेट। वेट हमारा है 50 kg, 50 kg वेट से हम चारों सेट लगाएंगे, बहुत ही स्लो, जितने भी रेप्स निकले बट पूरा कॉन्ट्रैक्ट फील करेंगे और पूरा स्ट्रेच करेंगे। चलो वेट वेट हम कर लेते हैं 50। ओके पहला सेट भाई 15 रेप्स, सेकंड सेट लगाते हैं। तो भाई हमारा सेकंड सेट हम लगाएंगे सेम वेट, रेस्ट देखते हैं कितना जाता है। हाँ
थर्ड सेट लगाते हैं भाई। तो भाई तीसरा सेट हम परफॉर्म करते हैं सेम वेट से। भाई पूरा कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रेच करने में आपको फायदा ये होता है कि भाई आपकी मसल्स बहुत अच्छी खासी निकल के आती है। फुल रेंज ऑफ मोशन में वर्कआउट करना है आपको। थर्ड सेट लगाते हैं हम। तो भाई आप देख सकते हो कैसे रेपिटेशंस कम होता चला जा रहा है जबकि हम वेट भी इंक्रीज कर रहे हैं। हाँ, जो हमारा रेस्ट टाइम है वो काफ़ी कम है, 15 to 20 सेकंड में वापस से अपने सेकंड सेट में कर ले रहा हूँ, तो शायद इस वजह से। तो तीन हमारे हो गए, फोर्थ सेट हम लगाएंगे। चलो, तो भाई हमारा लेग कर्ल का ये है फाइनल सेट जो हम कराएंगे। हमारी तीन वर्कआउट कंप्लीट हो जाएगी इससे। चलिए भाई लगाते हैं। तो भाई ऐसे हमारी तीन वर्कआउट कंप्लीट होती है, स्क्वाट इनर हमारा सुमो स्क्वाट डंबल से, और थर्ड हमारा लेग कर्ल। फोर्थ हम लगाएंगे लेग एक्सटेंशन अपने क्वाड मसल के डेवलपमेंट के लिए, जिसके हम सिर्फ तीन सेट ही करेंगे बिकॉज हमने दो वर्कआउट ऑलरेडी क्वाड्स की कर ली है। तो चलिए लेग एक्सटेंशन लगाते हैं। तो भाई हमारा पहला सेट हम लगाने जा रहे हैं लेग एक्सटेंशन का, और बहुत ही स्लो इजिली करना है हमें। तीन सेट वेट इंक्रीज करेंगे 80 kg से सेकेंड सेट। तो भाई लिटरली मैं बता रहा हूँ, मैं ज़्यादा रेस्ट नहीं ले रहा हूँ, 10 से 15 सेकेंड मैक्सिमम। वेट 80 kg है, सेकेंड सेट हम लगाते हैं और देखते हैं कितना निकलता है रेस्ट। थ्री वेट हमने इंक्रीज किया 90 kg। थर्ड और फाइनल सेट लगाते हैं। तो भाई क्वाड मसल बिल्कुल मतलब जवाब दे दिया है कि अब मेरे से नहीं होगा, बट भाई करना है तो करना है। लास्ट सेट 90 kg वेट। ओके थ्री तो भाई चार वर्कआउट हमारी, मैं नीचे आ जाता हूँ। भाई चार वर्कआउट हमारी कंप्लीट हो गई। लास्ट हम लगाएंगे एबडक्टर मशीन, ठीक है, तो हमारी फिफ्थ एक्सरसाइज लगाएगी। चलिए एबडक्टर करते हैं। तो भाई फाइनल हम एबडक्टर लगाएंगे, और भाई हालत बहुत बुरी हो गई है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो गई। भाई अब ध्यान रखना कि जब भी आप एब्डक्टर करो यहाँ लाके पॉज करो हाफ सेकंड का, देन स्लो 2 3 4 5 6।
तो भाई इसके भी हम करेंगे 4 सेट, बस दिखाएंगे आपको 2, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी होती जा रही है, तो 1 सेट और दिखाएंगे फिर बात करते हैं भाई। चल तो भाई हमारा ये फाइनल सेट है, हमने 2 सेट और एक्स्ट्रा लगा लिया, अभी हमारा 4 सेट है। वेट हमने 70 kg रखा है, लास्ट आपने करके दिखाते हैं आपको। हाँ। तो भाई बिल्कुल खड़े होने की हिम्मत नहीं है, और आप देख सकते हो पूरा टी शर्ट कैसा भीगा पड़ा है। तो भाई इस इंटेंसिटी से आपने वर्कआउट करना है, और मैं आपको बता दूं भाई कि जिस भी भाई को जो भी चीज़ें पूछना है वो आप कमेंट कर सकते हो। और मेरे भाई बहुत मेहनत लगती है यार, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ आप लोग, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो लोगों में, जल्द से जल्द मेरे भाई का चैनल ग्रो कराओ, आप सबसे रिक्वेस्ट है। और मैं आप सबको ऐसे ही मोटिवेट करता रहूँगा, आप ये लेग की वर्कआउट लगाना बहुत ही बेनिफिशियल है भाई। तो मिलते हैं आप सबसे अब नेक्स्ट वीडियो पे, जो कि हमारी डे मे बी 9 होगी शायद, तो वीडियो नहीं रुकेगी आप सबके लिए। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट सेशन पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।